अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तूबा और मरहम कम्युनिटी की तरफ से आज मैं फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि कल भी हम एक लाइव सेशन के साथ आए थे, आज हम एक और लाइव सेशन के साथ आए हैं, लेकिन इसका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नईम आफ्ताब, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में। जी हाँ, मैं डॉक्टर नईम आफ्ताब, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। मैंने यहाँ से MBBS किया और फिर उसके बाद में अमेरिका चला गया, 24 साल उधर रहा, वहाँ प्रैक्टिस भी की न्यूयॉर्क स्टेट में। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड इन साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी और अब मैं वापस आ गया हूँ लाहौर, और यहाँ पर मैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में AP हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ शाम को मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है इन गुलबर्ग। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इन पाकिस्तान, फॉर एवरी 10,000 पर्सन सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट है, और इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन हर उस बंदे के लिए वो एक प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो आज मकसद यही था, हम लोग का जो टॉपिक था वो भी इसी तरह से है। हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बात करने लगे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे बात करने लगे हैं, साथ ही साथ ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, और स्लीप डिसऑर्डर्स जो कि बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में भी, हर एज ग्रुप के अंदर ये चीज़ें कॉमन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स से। आप अपने जो है क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ देते रहिएगा। या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नॉर्मली तीन ग्रुप्स में आते हैं, जिसे कहते हैं ए क्लस्टर, A, B and C। कुछ लोगों ने कहते हैं वियर्ड, वाइल्ड एंड वरेड। कुछ उसमें जिस तरह ए है उसमें स्किज़ोइड जिसे कहते हैं, जो लोग किसी को नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं ज़िंदगी में उनका, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेते किसी चीज़ में। जिस समय पर से एक लड़का आया, शादी की भी थी तो उसने, वो और बीवी थी, उसमें उसको किसी चीज़ में, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, फैशन में, खाने में, कोई फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं। तीसरा बात, दूसरा है पैरानॉइड, जो लोग बहुत शक करते हैं, वो कहते हैं दुनिया में खाएगी, दुनिया में धोखा देना चाहती है, वो लोग शक करते हैं, स्पाउस को कहते हैं मे बी इनफिडेलिटी का करेंगे, और ये एक पैरानॉइड हो गया। फिर इसके बाद स्किज़ोटिपल, जो लोग जादू और इस किस्म, जिन्हें बाबे कहा जाता है, वो इस तरह के जादू करना, फ्यूचर का हाल बताना, उस किस्म के उनके होते हैं ख्यालात, वो लोगों के साथ क्लोज नहीं जा सकते। एक फिर दूसरा क्लस्टर है जिसमें तीन आ जाते हैं, एक आ जाता है नार्सिसिस्टिक, विच इज़ वेरी कॉमन। नार्सिसिस्टिक में सेल्फ लव एक्सट्रीम, हाई सेल्फ इस्टीम है, अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं, और वो लुक डाउन अपॉन करते हैं लोगों को छोटा फील कराते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, सो और वो उनमें कोई एम्पथी नहीं होती, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन ये कि डिफरेंट तरीके से, अब वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरा है बॉर्डर लाइन, जो कि इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं, कभी वो बहुत हाई हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, आपको 500 दफ़ा कॉल्स करेंगे, मैसेजेस देंगे, आई लव यू, इट्स नॉट दैट दे हैव फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि उनके छोड़ के ना चला जाए, और ये कि उनमें बहुत इम्पल्सिविटी बहुत होती है, अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट्स करेंगे, और ड्रग में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उनके मूड स्विंग्स होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होगा बहुत ज़्यादा। फिर तीसरा है आपका एंटी सोशल, जो कि कानून को तोड़ते हैं, और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में होगा बहुत ज़्यादातर, 18 बचपने से ही होता है, वो जेलों में पाए जाते हैं, ये लॉ ब्रेकर करना, प्रॉपर्टी तोड़ना, लोगों को मारना, रेप, इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये है एंटी सोशल। फिर तीसरा क्लस्टर जो है जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, जो बहुत परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, ये मेरे ख्याल में आजकल की जनरेशन इसको मे बी मजाक में भी ले जाती है, कि हर किसी को कहती है अगर कोई चीज़ सीधी भी रख रही है तो तुम्हें OCD है। बिल्कुल हाँ, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, या पर्सनल, वो OCD इज डिफरेंट फ्रॉम बार बार हाथ धोना, चीजें चेक करना, वो दैट्स अ डिफरेंट OCD, बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी जो परफेक्शनिस्ट है, बहुत हाइपर रिलीजियस, हाइपर मॉरल हैं, हाइपर क्रिटिकल हैं, और वो ये कितना कि आप उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा, या उनकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, अगर आप उनको कहेंगे तो वो उनको कोई चीज़, उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, कितना डिसऑर्डर उस वक्त आ जाता है जबकि वो बिल्कुल कर ही नहीं, दो घंटे लगा देंगे नहाने में कि जी हमें तो हमारा परफेक्ट नहीं है, या कमीज इस्त्री करनी है तो एक घंटा लगा देंगे, तो इस तरह। फिर उसके बाद दो आ जाते हैं अवॉइडेंट और डिपेंडेंट,
अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, जो लोग सेल्फ इस्टीम लो होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो समझते हैं हम इन्फीरियर हैं, वो चाहते हैं गारंटी हो, लोगों में इंटरेक्ट नहीं करते, सोशली लोगों के सामने नहीं जाते, शर्माते हैं कि जी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक आ जाता है। और एक डिपेंडेंट है जो कि डिसीजन जो डिपेंड करते हैं लोगों पे, इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस, डिफिकल्टी होती है, दे ऑलवेज वॉन्ट टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स। नॉर्मली हमारे कंट्री में ज़्यादातर कुछ फीमेल्स को ज़्यादातर इस साइड पे हमें कराते हैं कि जी वो दे शुड नॉट बी दैट मच इंडिपेंडेंट। और कभी कभी आपका एक्सपीरियंस शायद आपने देखा हो कि दे आर सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम टू बी मोर बिकम लाइक अवॉइडेंट और सॉर्ट ऑफ इनकी इंडिपेंडेंट सोच को इनका इनक्रेज नहीं किया जाता, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में अब खैर बहुत ज़्यादा, खैर अब पाकिस्तान में अब औरतें क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही हैं फील्ड में, सो दे आर लेस एंड लेस डायग्नोसिस ऑफ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन वुमेन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जब आपका क्लिनिक विजिट किया था, आपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई हुई थी, आज टेंडे जिन निकाला, समथिंग लाइक दैट। मुझे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि किस तरह से जिन निकालने वाली बात हो रही थी, इज वाज इट सार्केज्म और समथिंग? नहीं, टेरा जिन का डायरेक्ट मैंने मुझे ये, मैं डची की नुमाइश में गया तो वहाँ पे मुझे ये मिला था तो मैंने खरीद लिया। जिन होता है कि हमारे जो देखें जो साइकाइट्री है वो साइलो मेरा था, एक चार थे इसके जो इसके थे जो इसके वो इसमें ये था कि चार इराज थे, साइलो मेरा था, जब लोग गांव वगैरह में आ करते थे वहम होते थे लोगों को और उस लोगों कहते थे इसको जिन, इसको पोजेशन है, जिन चमड़ा हुआ है, इस तरह की बातें। तो वो फिर कोई किसी को डिप्रेशन है, किसी को आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुछ है, तो लोग समझते इसको जिन है। अभी भी है गांव वगैरह में हमारे पास जो लोग आते हैं, पहले वो किसी लोकल गांव वगैरह में किसी के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, फिर कहीं कई कई साल लग जाते हैं, 8-10 साल के बाद डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं। तो उस वजह से हम फिर लोग हंसते हैं, वो मेरी वो जो आपने जो देखा उसको पढ़कर, तो इट्स अ फनी थिंग। अच्छा, कल जब हमने पोस्ट की थी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बेशुमार। उसमें हमारे पास ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे थे वो कुछ इस तरह से थे, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हाउ कैन यू वीन योर मेडिसिन ऑफ एंगजाइटी? बिल्कुल, ये कि यहाँ पे बहुत है कि इधर पाकिस्तान में चाय बहुत पीते हैं, लोगों को एडिक्शन इस तरह की बहुत है, दिन रात चाय पीते हैं, नींद नहीं आती, और फिर उसके बाद रात को वो बेंजोडाइजोपिन खा के कहते हैं जी हमें खिला लो, एल प्रेजोलम हो जाते हैं, जो कि नींद के बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तो चाय इज़ अ स्टिमुलेंट, चाय का आप इनटेक कम करें, और फिर इसके अलावा रात को आपने ये जो जैनैक्स, रिविट्रिल और एल्प्रेजोलैम ये नहीं लेनी, क्योंकि इससे फिर और नींद का स्ट्रक्चर, नींद के जो स्टेजेस हैं वो और ख़राब करती हैं, और अगले दिन आपको फिर, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन फिर आपको नींद आ रही होती है, उसके लिए फिर आप चाय पीते रहते हैं, स्टिम जगाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो साइकिल सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए से हम जो है सबसे पहले कहते हैं कि जी आप जो जब भी कोई डिसऑर्डर हो साइकाइट्री का, तो दो चीज़ें पहले रूल आउट करते हैं, मेडिकल एंड ड्रग्स। कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं, लोगों को स्लीप एपनिया होता है, रात को बैठे बैठे उनको लगता है कि उनका सांस बंद हो रहा है, तो उसमें भी स्लीपिंग आ जाती है, और भी बहुत है। फिर इसके अलावा ड्रग्स के, कोई किसी अल्कोहल, कैफीन, कोकेन, किसी किस्म की ड्रग्स, आइस, सारी वो स्लीप डिस्टर्ब करती हैं। तो ये कि सबसे पहले तो ये दो चीज़ें क्लियर हों, फिर उसके बाद आ जाती स्लीप हाइजीन, कि स्लीप हाइजीन ठीक हो, टाइम पे सोएं, सोशल रिदम थेरेपी, सुबह उठ आप रात को टाइम पे सोएं और सुबह टाइम पे उठें, रात को आपने बेड स्लीप के अलावा किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना, आपके प्रॉपर आप अपने नाइट सूट पहने, टेम्परेचर ठीक हो, नॉइज ना हो, स्मेल ना हो, मोबाइल ना हो, बेड के ऊपर बैठ के फिल्में ना देखें, आप बेड सिर्फ यूज, ताकि आपका बिहेवियरल बन जाता है, आप बेड पे लेटें साथ ही नींद आ जाए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ोकात ऐसे भी होता है कि आप बेशक टाइम पे सोने की कोशिश कर रहे हो, लाइक आप 11 बजे लेट गए हो बिस्तर पे, लेकिन आपको टाइम काफ़ी टाइम बाद नींद आती है, लेकिन सुबह आपने उठना एक ही टाइम पे, वो हर रोज़ एक एक घंटा कम होते होते नींद कम होने लग जाती है, तो इसमें क्या कोई ये इसका क्या ताल्लुक है?
हाँ, उसमें डिफरेंट, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर डिफरेंट, एडवांस स्लीप स्लीप एडवांस स्टेज स्लीप डिसऑर्डर है। कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं, 6 बजे उठ के सो गए शाम के, हाँ। रात के 3 बजे उठ गए। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो लेट से सोते हैं, लेट्स सी कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर में आता है, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे सोए या फिर 3 बजे या 4 बजे सुबह उनकी नींद आती है, कि उनकी लाइफ पैटर्न बना हुआ होता है। तो वो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं। कभी कभी लोग अपनी जॉब्स अपनी लाइफ ही अराउंड उसके कर लेते हैं कि हम नाइट जॉब करेंगे, रात को तो नींद आती नहीं है, तो सारी सारी रात वो कोई सिक्योरिटी की जॉब, गार्ड की जॉब हो गई, नर्सिंग की जॉब हो गई, एयर होस्टेस बन गए, कोई एयरलाइन में चले गए जिसमें नाइट टाइम जॉब्स हों, ऐसे भी होता है। लेकिन ये कि स्लीप की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा ब्रेन है, हम आपको पता आधी ज़िंदगी तो हम सोते हुए गुजार देते हैं, तो हमें फ्रेश ब्रेन चाहिए जिससे वो फंक्शनिंग करे हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी के लिए, कि हमें अच्छी स्लीप चाहिए। जाके हम जो भी मेरे पास बंदा आता है, सबसे पहले मैं उसके स्लीप का पूछता हूँ, नींद आ रही है या नहीं, नींद पैटर्न क्या, अगर आप नहीं सो रहे दैट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इसलिए स्लीप के लिए आप स्लीप हाइजीन बेशक गूगल कर लें, बट इस स्लीप हाइजीन कोई भी हो जिसको वो देख लें क्या क्या स्लीप हाइजीन के क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमजा का एक कमेंट आया, कैन नाइटमेयर्स बी एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक इश्यूज? या नाइटमेयर्स बिल्कुल होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी को ट्रॉमा हुआ हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कभी किसी ने ट्रॉमा हुआ हो, कोई लेट्स सी के कोई डिजास्टर था, इस तरह की चीज़ थी, तो उसने कोई वो फिर बाद में वो कितने पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स, कि लोग अगर किसी को कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था, कोई अब्यूज़ है, फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ है, तो वो फिर नाइटमेयर की सूरत में आता है। सो वो ये कि आम जागते में भी आ जाता है कि अगर लेट्स सी समबडी वाज अब्यूज्ड इन एनी फॉर्म, तो वो ये कि वो चाहता है कि मैं उस जगह ना जाऊँ, उस जगह ना जाऊं, उस तरह के लोगों को ना मिलूं, उस एरिया में ना जाऊं, या फिर वो ये भी होता है पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो ये नाइटमेयर उसमें भी आ जाता है। कभी कभी लोग कोई हॉरर मूवी भी देख ले तो उससे भी आ जाती नहीं, है नहीं आती बिल्कुल। अच्छा, एक और कमेंट हमारे पास आया है कि टेल अस समथिंग अबाउट इंसोम्निया, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर, स्टेइंग अस्लीप एज लॉन्ग एज डिजायर्ड, हाउ टू ओवरकम इट? यानी कि वो नहीं सो सकते, staying asleep as long as desired. हाँ, उसमें ये कि अपने को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ लोग 12-12 घंटे करते हैं हाइपरसोमनिया, जिसे ये देर तक सोते हैं, उसमें स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी है कि आप टाइमिंग करें, अपने ब्रेन को आप ट्रेन करें कि मैंने 11 बजे सोना है या 12 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठना है, तो वो फिर आप उस तरह से उठेंगे। लेकिन उतनी वो आपने वही फिर स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है कि आप टाइम पे सोएं, कॉफ़ी ना लें, इस तरह से करके। ओके, हाइट प्लेसेस फोबिया रीजंस एंड ओवरकम एंड हाउ टू ओवरकम इट? या हाइट फोबिया का जो ओवर जितने भी फोबियाज हैं उसका जो ट्रीटमेंट है ओवरकमिंग द फोबिया, आई डोंट रन अवे फ्रॉम द फियर, ओवरकमिंग इट, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एक्सपोजर थेरेपी है, डिफरेंट है कि आप पहले आप बहुत छोटी सी हाइट पे जाते हैं, फिर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर उससे हाइट पे, फिर उससे ज़्यादा माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर, पहले आप छोटे से संभलने मेज पे चढ़ गए, फिर आप घर की छत पे चले गए, फिर बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे, फिर इस तरह जाते 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 ऊपर जाते रहेंगे, और साथ साथ रिलैक्सेशन आपने टेक्निक्स करनी जिससे आपका स्लोली ये हो जाएगा। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग सडनली उसको उठा के 15th फ्लोर पे खड़ा कर दिया और फिर आगे भी करें, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह टॉलरेट मतलब कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। उनका लिफ्ट में वॉशरूम में बंद होने का फोबिया, विच इज वेरी वेरी कॉमन, क्लॉस्ट्रोफोबिया, अगोराफोबिया, जहाँ से एस्केप नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं कि जी मैं कभी हुआ था, मैं कभी फ्रीजर में बंद हो गया था, एक समय पर आई और कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई, उसके फ्रीजर में बंद हो गया, या कभी कोई किसी जगह में क्लोज हो गया, वहाँ से वो फियर बन जाता है, और फिर लोगों को काफ़ी रहता है कि वो फिर किसी बस में नहीं जा सकते, कि एलिवेटर में नहीं जा सकते, किसी मीटिंग में नहीं बहुत ज़्यादातर बैठ सकते। उसमें भी वही वही पहली सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, कि उनको आप आहिस्ता आहिस्ता से बहुत खुली जगह से फिर आहिस्ता आहिस्ता तंग जगह पे लेके जाते हैं,
और फिर उनको कहते हैं कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें और अपने ओवरकम करें फियर को. मतलब उसके अंदर ऐसा भी सिचुएशन आती है कि आपका सांस बंद होने लग जाता है और आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो इतना हाई हो जाता है. या बहुत ज्यादा बहुत घबरा जाते हैं, पैनिक में चले जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाते हैं, सांस बंद होने लगता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, बंदा कहता है बस मैं मरने लगा हूँ और वो उस कमरे से भागने की कोशिश करता है. बिल्कुल. अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया, व्हाट इज डोपामाइन एंड व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. यूजुअली इट्स इट इज इन आई मीन हैज मेनी फंक्शंस इन द ब्रेन. डिप्रेशन है, फिर ये जो आपका है ये रिवॉर्ड सिस्टम में बहुत यूज होता है. जो हम ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं उसमें डोपामाइन सीक्रेट होती है. फिर डिफरेंट हैं इसके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव इमोशंस. ब्रेन में बहुत सारे एरियाज में इसका है, इसका ये प्रेजेंट है. दुआ ने हमसे पूछा है कि व्हेन आई ले डाउन फॉर स्लीपिंग मोस्टली आई फेल दैट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट एंड फीलिंग लाइक आई फेल डाउन फ्रॉम बेड. मतलब ऐसा अक्सर होता है, आप नींद में होते हो लेकिन आप ऐसा लगता है कि आप ऊपर से कहीं नीचे गिर रहे हो. ऐसा वो एक फीलिंग, वो ऐसी फीलिंग क्यों आती? इज इट रिलेटेड समहाउ टू द कुछ भी साइकोलॉजिकली कि आप जब लैक ऑफ कंट्रोल होता है, जब आपको फीलिंग गिरने की फीलिंग होती है तो क्या होता है लैक ऑफ कंट्रोल, कि जब आप फील करते हैं अपनी किसी लाइफ सिचुएशन में आप हड़बड़ा के उठ जाते हैं, आप उठ जाते हैं, आपको नींद में नींद ऐसे आ रही है कि आप गिर रहे हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो अगर लाइफ में अगर आपका वो आप एक किस्म का सिम्बॉलिकली आप देखते हैं कि मैं लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हूँ जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप को संभाल नहीं सक रही या सक रहा, तो उसमें लोगों को कभी कभी ये फीलिंग होती मतलब है. ये एक आपके पास वो होता है, साइन होता है. साइन है, हाँ. इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम में अगर आप सिंबलिज्म ड्रीम में यूज होते हैं ना ऐसे. फिर हमारे पास एक कमेंट है कि बहुत सैडनेस है दैट लीड्स टू द सुसाइडल थॉट्स. अच्छा, इज इट अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन और समथिंग एल्स? हाँ, देखें डिप्रेशन बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है, दुनिया में सबसे नंबर वन है इस वक्त. और उसमें सिम्टम्स क्या हैं? रोने को दिल जाना और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फिर बेचैनी, गिल्ट और सुइसाइडल थॉट्स. सो इट इज डिप्रेशन. इफ इट इज इफ देर आर सुइसाइडल थॉट्स देन इट्स मोस्टली इट्स इट डिप्रेशन. डिप्रेशन का सिम्टम है. बट सुइसाइडल थॉट्स कुड बी ऑफ मैनी रीजन, कुड बी ऑफ मैनी अदर थिंग्स कैन कॉज इट. ठीक है. हाउ टू ओवरकम गिल्ट आफ्टर अ ट्रेजेडी? Solving mystery in past event is leading towards clinical depression. How to hold these kind of thoughts when your brain is working against you? कभी कभी ये होता है कि guilt is a symptom of depression also. और कभी आपका होता है कि let's see that there was loved one who died in front of you and you feel responsible. Oh, मुझे चाहिए था, मैं 911 call कर देती, मैं 1122 पे ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. तो लोग अपने आप को responsible कहते हैं कि शायद मुझसे गलती हो गई. अच्छा. और वो अपने आप को गिल्ट में ले आते हैं जबकि इस तरह होता नहीं है. हाँ, अलबत्ता वाकई ही अगर आपने वो बंदा था और आप कर सकते तो फिर तो ठीक है, लेकिन ओवर आप फील करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इफ़ इट इज़ डिप्रेशन, आई मीन इफ़ यू आर देयर इज़ सम लॉस, सम डेथ और समथिंग एंड यू गो इन टू डिप्रेशन, देन डिप्रेशन इटसेल्फ कॉजेज गिल्ट. वो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई. लोग इट्स वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन गिल्ट. सो वंस यू कम आउट ऑफ डिप्रेशन गिल्ट विल बी गॉन. ओके. हाँ, हमारे टॉपिक के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे भी हम लोगों की डिस्कशन है, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ, सेक्सुअल देखिए साइकिल जो है ना चार स्टेजेस में आता है. सबसे है जी पहले डिजायर, कि सबसे पहले जो जो जिसे कहते हैं डिजायर, अराउजल, इरेक्शन एंड फिर एजेकुलेशन एंड देन कम्स द रेजोल्यूशन. तो डिजायर में काफ़ी आ जाते हैं. जैसे 70-year-old पर्सन कम्स टू सी मी, कहता है कि जी मुझे तो इरेक्शन नहीं होती. और मैंने कहा क्या है? कहता है मैं बिल्कुल फिजिकली ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें डिजायर ही नहीं थी. अगर आप स्टेज वन में नहीं है तो आपके अगर आपके सामने मैं ऐसा खाना रखूं जो आपको खाना ही नहीं पसंद, तो आपको भूख कैसे लगेगी जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है. तो डिज़ायर में ये डिज़ायर के डिसऑर्डर्स अलहदे हैं. जिस तरह आप कुछ लाइक मैरिजेज में हो जाता है ऐसे कि जी वो शी गॉट मैरिड टू समबडी एंड ही हैज़ हाइपर डिज़ायर एंड शी हैज़ लो डिज़ायर.
hyposexual desire disorder. It's a psychiatric condition. Okay. She has less desire, the person has high desire, or she has more desire and the person has less desire. So it is a desire disorder. Then comes the erection problem, premature ejaculation hai, ya premature, log bahut commonly aate hain ki jo I'm in Dubai, I had a car business there, aur yahan pe mujhe ab ye bahut problem hai ki I go ejaculate very fast. और उसमें ये कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है और उसमें कि कुछ मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. मैं इनमें इस चीज़ का जिक्र करना चाहिए क्योंकि लोग ये करते हैं लेकिन ज़्यादातर शर्माते हैं, आते नहीं, जबकि दीज आर बिकम दिस कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप. तो उनको फिर हम कहते हैं दिस इज वेरी कॉमन, लोग इसके बारे में बात नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये आजकल कॉमन हो गई चीज़ें. या बिल्कुल कॉमन है और इसकी ट्रीटमेंट भी हैं, मेडिसिन भी हैं, साइकोथेरेपी भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ उसके ट्रीटमेंट्स हैं. और ओके, हम लोग के पास अगला सवाल है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर है फियर ऑफ फ्लाइट, मींस ही इज ऑलवेज थिंकिंग लाइक द प्लेन इज गोइंग टू क्रैश और आई विल गेट अ हार्ट अटैक और समथिंग. हाँ, ये है कि लोगों को आप जो थॉट स्टॉपिंग है, लोग अपने हॉरर मूवीज बहुत बनाते हैं, इन द सेंस के वो ये हो जाएगा, ट्रेन क्रैश हो जाएगा, मैं ऐसे गिरूंगा, आग लगेंगे, इमेजिनेशन में आप, मैं लोगों को कहता हूँ आप हॉरर मूवीज ना बनाओ ताकि ये आप ये मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी, मैं सड़कों पर आ जाऊँगा, मेरा घर बिक जाएगा. डोंट गो देयर, लिव इन द प्रेजेंट टाइम, डोंट गो, आई मीन इस तरह की ना आप सिनेरियोज ना बनाएं, हाँ, जिससे आपको डर लगे और फिर आप पैनिक एंजाइटी में चले जाएं. ठीक है, अवैस ने हमसे पूछा है, व्हाट इज योर सजेशन फॉर समवन हु स्लीप्स लाइक 8 आवर्स बट डजंट वेक अप फ्रेश, और कभी कभी फ्लू भी होता है, तो फ्लू जो है वो आपकी ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तो फ्लू आप स्लीप पे बहुत इफेक्ट करता है. yeah. उसमें कि स्लीप कुछ सब्जेक्टिव इंसोम्निया भी होता है लोगों, बिल्कुल अगर आप उनका पॉलीसोमनोग्राफी करें, ब्रेन की वेव्स चेक करें, तो उनको नींद बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन जब उठते हैं तो कहते हैं जी मुझे तो नींद ही, मैं तो फ्रेश ही नहीं हूँ. बिल्कुल ऐसे होता है, तो जिस तरह यही बंदा कहे जी मुझे हार्ट पेन हो रही है लेकिन ईसीजी करें तो ठीक है. इस तरह ब्रेन वेव्स में देखा है सब्जेक्टिव इंसोम्निया में कि वो होता है, लेकिन अगर फर्स्ट करें आप फ्रेश नहीं उठ रहे तो कोई कॉज होगा, हो सकता है कि आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे या आपने कोई दवाई या कोई कॉफी पी के सोए हुए हैं या आपका कोई प्रॉपर नींद आपको नहीं आई, तो उसमें फिर ये कि अगले दिन आप इतने फ्रेश नहीं उठते. ठीक है, उसमें ये कि आप एवेल्यूएट कराएं अपना कि भी कैसा जा रहा था आपका. बिल्कुल ठीक है. सफरिंग फ्रॉम ट्रेमर्स दैट आल्सो अपसेट मी व्हाइल स्लीपिंग, इज इट एनी वे कनेक्टेड टू एस्थमा एंड दैट एंड द इनहेलर आफ्टर इफेक्ट्स. हाँ, कुछ लोगों का भी डिपेंड करता है ट्रेमर्स किस किस्म के हैं, मे बी इज इट सम काइंड ऑफ एंजाइटी, इट कुड बी सम काइंड ऑफ अ सीजर, समटाइम पीपल डू हैव सीजर्स ड्यूरिंग स्लीप आल्सो, और ट्रेमर्स आते हैं क्योंकि ब्रेन तो डेड नहीं होता, ब्रेन तो जाग रहा होता है, सिर्फ हम स्विच ऑफ हुए हुए होते हैं. ब्रेन के सारे फंक्शन हैं, स्टेज रैम नॉन रैम स्लीप चल रहे हैं, साइकिल्स चल रहे हैं, फुली फंक्शन है, हार्ट चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, सिर्फ ये कि उसमें अगर कोई ऐसा ट्रेमर आ रहा है तो वीडियो बनाएं अपनी, किसी को कहें मेरी वीडियो बना दे जब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, और फिर उसके बाद आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को साइकाइट्रिस्ट को चेक करा लें. ठीक है, क्या है वो? सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो डॉक्टर साहब हमें जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा. हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ सैडनेस और डिप्रेशन? सैडनेस तो हर बंदे को थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन डिप्रेशन की सिवेरिटीज होती हैं कि ज़्यादा माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जितने ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे फिर उतनी सिवेरिटी है, माइल्ड डिप्रेशन भी है फिर सीवियर है कि विद साइकोटिक फीचर्स भी आता है, इतना सीवियर डिप्रेशन होता है कि जिसमें आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और आप बहुत पैरानॉइड भी हो जाते हैं और सुइसाइडल थॉट्स आते हैं कि आप अगर आप जब डिसफंक्शन हो जाए ना कि जी मैं तो उठ ही नहीं सकता, ये सुख सकती, मैंने नहाना बंद कर दिया है, मैंने कपड़े नहीं, मैं इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ज़िंदगी में, मैंने कॉलेज नहीं जाना, मैंने वर्क पे नहीं जाना, देन इट इज़ डिप्रेशन. व्हेन देयर इज़ सेवेरिटी कि साइको सोशल डिसफंक्शन कि जी वो तो आपने अब तो वो आती भी नहीं है, अब तो वो जॉब भी नहीं करती, अब तो वो घर से नहीं निकलती, अब उसने नहाना भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, देन इट इज़ सीवियर डिप्रेशन. बट सैडनेस इज़ लिटिल बिट मे बी, आजकल मौसम आपको पता है थोड़ा सा अंधेरा तो लोग थोड़े सैड हो जाते हैं. सर्दियों का कोई खास कनेक्शन होता है सैडनेस से? हाँ, थोड़ा सा होता है, जरा धूप में लाइट में हमारा फ्रेश, हमारा मूड जरा ब्राइट रहता है, कोई ड्रामा देख लिया लोग सैड हो जाते हैं देख के. ओके,
what to do if a person feels constantly demotivated? What can be the reason? ये है कि उसमें डिपेंड करता है, सबसे फिर वही बात, पहले कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, कोई जर्स वगैरह विच कॉजेज ए मोटिवेशनल सिंड्रोम, कोई अल्कोहल डिप्रेशन तो नहीं ले रहे। अगर नहीं है तो फिर ये देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है कि आपकी जो आपको कहा जा रहा है कि जी आप ये बनो, आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ही ना हो, आप बनना चाहते हो एक्ट्रेस या आप बनना चाहते हो कोई कोई लेट्स सी यू वांट टू बिकम इनटू आईटी पर्सन, तो उसका इंटरेस्ट देखें उस इंसान का कि क्या है। मे बी ही वांट्स टू बिकम अ हाइकिंग गाइड और समथिंग लाइक दैट, और मे बी ही वांट्स टू बिकम मे बी डॉल्फिन को वो गेम में काम करना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट भी पूरे हो सकता है कि आप, क्योंकि हमारा मुल्क में बड़ा लिमिटेड है, लेकिन बाहर डाइवर्सिटी में लोगों को देखा है कि जो लोग मोटिवेटेड नहीं होते लेकिन किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है मुख्तलिफ चीज़ों में। कैन बी अ पर्सन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एट द सेम टाइम? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं कि कुछ लोग अगर इस तरह मूड स्विंग्स हो रहे हैं किसी को, अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है, साइक्लोथाइमिया बाइपोलर टाइप कंडीशंस में भी हो सकता है कि वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डाउन है, आपका दिल नहीं चाह रहा किसी को मिलने को, आप बस कहते हैं मैंने नहीं किसी को मिलना, और अगर आप अप मोड में, आपका दिल चाह रहा है कि जी मैं बड़े वो हूँ, जरा थोड़े से हाई मोड में, आपको दिल चाह रहे हैं पैसे खर्चूँ, लोगों को मिलूँ, फिल्में देखूँ, खाने खाऊँ, तो वो फिर ये कि हो सकता है इस तरह से। अगर मूड पे, अगर थोड़ा सा मूड अप एंड डाउन साइक्लोथाइमिया में होता है इससे। ओके, सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर मूड। मूड, हाँ। ओके, साद आलम ने हमसे एक सवाल पूछा है, व्हेन आई गेट बोर्ड फ्रॉम एवरी वर्क आई डू वेरी सून, हाउ टू गेन इंटरेस्ट इन एनी वर्क और जॉब, why I get bored? I mean, कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बोर्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से, कि ये कि आपको आपका माइंड ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो आपको बड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको इंटरेस्ट करें। कि लोग, कुछ लोग बोर्डम का हो जाते हैं, एक चीज़ करते हैं वो बोर होकर चले जाते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, एक को मिले फिर बोर हो गए, फिर दूसरे रिलेशनशिप जंप फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये कि क्यों बोर होते हैं, उसकी रीजनिंग क्या है, कि क्या मे बी देयर सम देयर आर सर्टेन पर्सनालिटी विच आर वेरी नॉवल्टी सीकिंग, दे लाइक नॉवल्टी, कि वो उनको बस थोड़ा सा हुआ फिर वो हट के चले गए इस तरह से। सो ये उसमें थोड़ा उनकी पर्सनालिटी का फीचर हो सकता है। ठीक है, इनाम मुल्ला ने हमसे पूछा है, कैन वी डिस्क्राइब पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द बिग फाइव थ्योरी, पर्सनालिटी थ्योरी? कौन सी बिग फाइव? बिग फाइव थ्योरी है, पर्सनालिटी थ्योरी हम लोग की। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है इस थ्योरी में। इसमें न्यूरोटिसिज्म है आई गेस, और एक्स्ट्रोवर्जन है, और इस तरह की तीन आई फॉरगॉट द अदर थ्री। इसमें मैंने परफेक्शनिज्म जैसा मैंने क्लस्टर्स बताए हैं, अगर वो मुझे इसमें पूछे तो मैं फिर उनको बता देता हूँ कि अगर मुझे कौन सा बताएं कि आर दे लाइक अ वियर्ड वाइल्ड है या वो जो बरेड है, कौन से क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगला बंदा या मैं एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है? हाँ, वो ये है कि पर्सनालिटी में तीन चीज़ें आती हैं, एफेक्ट होता है, थॉट्स होते हैं, और आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है। इन तीन चीज़ों पर ज़रा किया जाता है। जब आप पूछते हैं जब मैं किसी को मिलती नहीं हूँ, मैं आपके कुछ थोड़े बहुत आपके बिहेवियर से, आपके थॉट्स से आप शो करते हैं हाँ ये है परफेक्ट, ये इस पर्सनालिटी को। कभी कभी लोगों को डबल पर्सनालिटीज भी होती हैं, दो मुख्तलिफ ट्रेट्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, और वो करते हैं। ठीक है, एट व्हाट स्टेज डू द सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अपीयर? यूजुअली इट्स एट टू पीक्स, ज़्यादातर हाई पीक होती है एट द एज ऑफ 18 to 19, 18 से 20-21 साल में जो हाई पीक होती है वहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया आता है। नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट्स में देखा गया है कि जी सडनली समबडी बिकेम वेरी हैड स्टार्टेड डेवलपिंग पैरानोइड, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाते हैं, कि जी पहले ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उसका दिल टूट गया, फिर ये, तो ये नहीं होता। हर बंदे दूसरे बंदे का ब्रेकअप हो रहा होता है कॉलेज में, हर बंदा स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं हो जाता, लेकिन ये कि जब मोस्टली दिस इज द पीक टाइम। ठीक है,
डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में, जब यूनिवर्सिटी में आते हैं या हम अपनी वर्क प्लेसेस पे आते हैं, हम एक प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एंटर होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ होता लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। तो आपको क्या लगता है कि हमारी स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, या हम लोगों का जो भी वो गुजरा होता है बचपन से लेकर उस टाइम तक का दौर, उसमें क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये एक कॉन्फिडेंस लेवल का प्रॉब्लम ना हो? हाँ, कॉन्फिडेंस का लेवल है अपने ऊपर। एक तो ये कि बड़ा इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस, कि जब आप घर छोड़ते हैं, माँ बाप के प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से निकलते हैं आप, वो तो आपकी हर चीज़, वो भी अच्छी बुरी चीज़ आप वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बड़े छोटे तालाब से निकल के आप बड़ी दरिया में छलांग मारते हैं, तो उसमें एक मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। एक तो बिलीव इन योर सेल्फ, कि मैं हूँ, अपने ऊपर बिलीव करना कि आई एम गुड, पीपल लाइक मी, आई एम अ गुड पर्सन। तो अगर आप अपने ऊपर बिलीव करें, कॉन्फिडेंस हो, फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये कि जब बड़े एरिया में जाएं तो आप अपना कहें जी हाँ, मैंने जाना है, लोगों को एक्सपीरियंस साथ ही साथ करूंगा। इसमें पब्लिक फियर आ जाता है, हाँ, सोशल एंजाइटी भी उससे इससे कैसे कर, ओवरकम किया जा, सोशल एंजाइटी, हाँ, पब्लिक कुछ फियर? इससे लेकर सोशल एंजाइटी, कि आप हाँ लोगों को मिले ज़्यादा, जितने भी जो लोग आते रहते हैं, कि जी वो अवॉइडेंट टाइप होते हैं, डरते रहते हैं, उन्हें कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले आप, क्योंकि फियर का है ही ये कि टू ओवरकम द फियर, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, कि आपने लोगों को मिले ज़्यादा, जिन जिन हाइकिंग पे जाएं, एडवेंचर ट्रिप्स करें, ताकि आपका जो फियर फैक्टर कम हो। और देखें, आप जिस तरह कॉलेजेस में लोगों को लेके जाते हैं, हंजा और इस तरह की जगहों पर दूर लेके जाते हैं, आप में डर ख़त्म होता है। और वो ये कि आप, ये मैं कहूँगा कि आप लोगों को मिले, इंटरेक्ट करें, बातें करें, कम्युनिकेट करें, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, कॉन्फिडेंटली उनके सामने एक्ट करें शुरू में, ताकि आप कॉन्फिडेंट हैं। पहले थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप ओवरकम कर जाएंगे। और अब बिलीव इन योर सेल्फ, कि जी मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, सारा कुछ अपने ऊपर पॉजिटिव मैसेजेस दें। अगर मैं कहूँगा जी मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो फजूल हूँ, ज़ाहिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आप बिल्कुल। समझोगे कि शायद लोग भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सवाल आया है कि कैन इट बी कंट्रोल्ड? जी हाँ, बिल्कुल, बाइपोलर डिसऑर्डर, हाँ, इसमें ये कि ज़्यादातर मोस्टली मेडिकेशंस के कंट्रोल होता है, और अब नई नई मेडिसिन्स आ गई हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं, उसमें लोरेसिडोन है, कोटायापीन है, और फ्लोक्सिटीन और ओलेंजापीन का कॉम्बिनेशन है, ये मेडिसिन है, प्लस बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। लेकिन नंबर, क्योंकि इट्स अ मेमोर ऑफ अ मेडिकल प्रॉब्लम, सो यू हैव टू ट्रीट। प्रीवियसली लिथियम थी, डेपाकोट है, और भी बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी मैनेजमेंट, इसकी ज़रूरत है। ठीक है। हमारे पास एक सिचुएशन हमें किसी ने शेयर की हुई है कि मैंने जितने ऑफिसेज में भी काम किया है, खुद को यूजलेस फील करने लगता हूँ, और मैं हर काम में को 100% ऑप्टिमाइज्ड वे में करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से टाइम डिले हो जाता है और मेरी इमेज डाउन हो जाती है। ठीक है। हाँ, उसमें ये कि आप अपने पहले देखें वर्क के, जो आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप पूछें कि जी मेरा क्या काम है, और मैं उसमें मेरे क्या कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके लिहाज से आप काम करें। अपने आप को ओवर ना समझें कि आपने वो गोल मीट कर लिया है। अगर वो गोल मीट कर लिया तो ठीक है, फिर आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपने काम नहीं कर सके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपने लिए जो गोल है वो ऐसा ना हो कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक ना हो, इट शुड बी रियलिस्टिक गोल, कि आपने रियलिस्टिक गोल कि जी आपने ये काम इतने टाइम पे करना था, कर लिया। ये नहीं, अगर आपको कहा कि ये काम आपने 5 दिन में करना था, अब आप कह रहे हैं जी मुझे 3 दिन में कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं। आपने डिस्कस करें कुलीग के साथ, बॉस के साथ, कि जी ये काम मैंने इतनी देर में ये करना है, और आप अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक वहाँ, ये भी है कि जो आप उसके बारे में स्किल्ड भी हों, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो बिल्कुल, आप, ये नहीं हो सकता आपको कहेंगे जी आपने कोई वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। मेडिसिन, या आपने कोई इलेक्ट्रिक का काम करना। अच्छा, लेकिन इसमें यही कंक्लूजन निकलता है कि ऑलवेज सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि रियलिस्टिक अपने किस्म की, बॉस के हाँ, लिए भी। जब आप कोई भी टारगेट देते हो तो आप वो टारगेट दो जो आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हो, या इससे ना आप यूजलेस फील करोगे ना ही आपकी इमेज डाउन हो सकेगी। बिल्कुल।
तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगी कि मेंटल डिसीजेज जो हैं वो हेरिडिटरी होती हैं, जी हाँ, इनहेरिटेड होती काफ़ी हैं? होती हैं इसमें, कई कंडीशंस हैं, मूड डिसऑर्डर है, जो स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटीज़, बहुत से हैं जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, और क्योंकि हमारी जीन्स हैं, जिस तरह हमारा स्किन कलर है या आँखों में रंग है, बाल, ये वो सारी चीज़ें, हमारा हाइट, उस तरह से मेडिकल कंडीशन या साइकेट्रिक कंडीशन भी आती हैं। अब कुछ हमारे फोबियाज हैं जो जेनेटिकली हमारे में आ रहे हैं, लेट्स सी, कि स्नेक का फोबिया, एनिमल फोबिया, ताकि हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, ताकि प्रिपेयर किया हुआ है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें चीज़ें आती हैं सेंसर्स करने के लिए, तो इस तरह से इंसानों में भी फोबिया है। कुछ सारा फोबिया जब ओवर हो जाता है ज़्यादा, उसको फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास पोस्ट में एक क्वेश्चन आया था जो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम लोगों को एड्रेस भी करना चाहिए, कि हाउ टू रिकवर पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर 2 months ऑफ डिलीवरी. अगर तो बहुत सीवियर है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो फिर तो मेडिसिन से यूज़ होता है, क्योंकि दैट कैन बी डेंजरस मोस्टली समटाइम फीमेल गो व्हेन दे गो इनटू, एक होता है जैसे कहते हैं ब्लूज, पोस्टपार्टम ब्लूज, जो हर, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जा रहा होता है नीचे, तो समटाइम आफ्टर डिलीवरी फीमेल फील डिप्रेस्ड, बट इफ इट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैट कैन बी सीरियस, समटाइम इवन दे किल अप एंड अप कमिटिंग सुसाइड और किलिंग द चिल्ड्रन, सो दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। एक सवाल आया है कि वो पूछ रही हैं कि मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि एंटी डिप्रेसेंट्स खाने से जो है एक इंसान ज़्यादा मिजरेबल बन जाता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है और आपको ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले तो ये कि डायग्नोसिस कराएं अपना, अगर आपके, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिप्रेशन ही हो सकता है, और भी आपके घर में स्ट्रेसर्स हों, आपकी फैमिली में स्ट्रेसर्स हों, उनको भी ओवरऑल पिक्चर देखते हैं सारी, कि आपकी, लेट्स सी, यू आर लिविंग इन एक्सटेंडेड फैमिली, कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, कोई आपको टफ टाइम दे रहा है, आप वो फैक्टर्स रिमूव करें। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपके, फिर हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव, जो आपके थिंकिंग पैटर्न्स. पैटर्न्स ठीक नहीं है, जिसे कहते हैं थिंकिंग हैबिट्स, जिन्हें मैं कहता हूँ, कि कुछ लोग हर वक्त नेगेटिव ही सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएँ और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ। अगर फिर भी ट्रीट ना हो, अगर वाकई सीरियसली कोई डिप्रेशन है, तो यू कैन टेक एंटी डिप्रेसेंट्स, द गुड वंस, विच डजेंट हैव मैनी साइड इफेक्ट्स। तो ये कि ये इस तरह से है। अब हम अपने सेशन को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ लें हमसे. एक सवाल आया है कि आई गॉट 2 times सर्जरी ऑफ सिस्ट, आफ्टर दैट आई एम टू मच स्केयर्ड और एंड आई मिस माई स्लीप, हाउ कैन उनकी आई उनकी ओवरकम इट? सर्जरी हो गई है दो इनकी, दो दफ़ा सर्जरी हुई है सिस्ट थी, और उसके बाद से वो बहुत डर गई हैं कि अब उनकी नींद भी जो है वो स्किप हो जाती है, सही से नहीं सो नहीं डरनी पा हो, रही. अब तो बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि इनके सिस्ट रिमूव हो गई भी है, और अब उनका जो था, जो उनकी चीज़ बॉदर कर रही थी, वो चली गई, तो अब डरने वाली बात नहीं है, अब तो अब रिलैक्स करें और आप स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और फिर आप सो जाएं। बिल्कुल ठीक है. एक सवाल है कि सिम्टम्स क्या हैं ओसीडी के हमें कैसे पता चलेगा दिस इज द माइल्ड और दिस इज द मॉडरेट वन और ये सबसे एक्सट्रीम्स ओसीडी है? ऐसे ओसीडी में होता है क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेस मींस कि आपके थॉट्स, इमेजेस और आइडियाज आते हैं जहन में, बिल्कुल. कुछ लोगों में बहुत आते हैं कि जी मैं किसी को मारूं, एग्रेसिव थॉट्स आते हैं, कुछ लोगों के एंटी रिलीजियस थॉट्स, ब्लास्फेमस थॉट्स आते हैं, जो बहुत वो, कुछ लोगों के सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और बार बार कुछ लोगों का ये होता है मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने दरवाजे बार बार चेक करते हैं, बंद हाँ, करते हैं, ब्लॉक्स चेक लॉक्स चेक करते. करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें अरेंज करते हैं अपने घर में कि चीज़ें उनकी ठीक रहें, कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं, तो वो ये कि अगर इतना टाइम डिपेंड करता है ड्यूरेशन के, कितना टाइम, थोड़ा बहुत दरवाजे तो बंदा एक हर रोज भी बंदा चेक कर लेता है, लेकिन अगर दो दो तीन तीन घंटे आपके लग जाए, जिस तरह एक औरत आई थी जो सारी सारी रात नहाती रहती है, कि उसके घर वाले कंप्लेन की सारा पानी ख़त्म हो गया, साबुन रोज़ का एक पूरी जो है वो ख़त्म हो जाता है बार, तो वो ये कि देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, व्हेन व्हेन द पर्सन की सुबह इतना नहाना हुआ कि वो काम पे नहीं जा सकी या कॉलेज नहीं जा सका, तो वो फिर इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप रोज़ाना के हिसाब से बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी कुछ बातें होती हैं जो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, या आप उनको
रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप पे कितना इफेक्ट होता है उन लोगों का, आप किस तरह से कोप अप करते हैं डेली के हिसाब से एक चीज को लेकर चलना? बस वो एक आदत है, मैं ऑब्जेक्टिवली भी देखता हूँ लोगों को कि जी ठीक है उनकी प्रॉब्लम्स है, समटाइम्स दीज आर मेडिकल कंडीशंस कि अगर डिप्रेशन है ये इस तरह से है, और दूसरा ये कि वो आप उनको आप अपने डिस्टेंस रखते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं थोड़ा सा कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये हाँ इमोशनली डिस्टेंट रखते हैं अपने आप को। इवन आम रिलेशनशिप में भी देखा होगा आपने कि लोग कुछ लोग इमोशनली ज़रा पीछे रहते हैं ताकि वो उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो, दैट कैन बी लिटिल हर्टफुल। तो इसलिए से हम थोड़ा सा होता है कभी कभी होता है कि पेशेंट डू इफेक्ट अस, जिसमें खासकर साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपिस्ट हैं उनको कंपैशन फटीग हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा लोगों से एम्पथाइज करते हैं कि वो क्योंकि ये इंटरनलाइज करते हैं उनकी फीलिंग्स को, लोगों के डिप्रेशन को या उनकी जो पेन को फिर अपने आप को इंटरनलाइज करते हैं और उसको रिकर्जिटेट करके फिर दूसरों की कहते हैं दुख शेयर करना, उससे इफेक्ट पड़ता है। इससे मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है जहन में, वो ये कि एम्पथी और सिंपथी के बारे में। जब आप एक साइकेट्रिस्ट होते हो या आप एक साइकोलॉजिस्ट होते हो, आप एम्पथी के अकॉर्डिंगली आप अगले को डील कर रहे होते हो, तो कभी कभी काउंसलिंग साइकोलॉजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब अगला बंदा अपना दुख शेयर कर रहा हो तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके साथ आप मत रो। तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाती कि क्या वो एम्पथी है कि अगर आप भी रो रहे हो या नहीं, या आप किस तरह से उस चीज को लेते हैं। एम्पथी होती है कि जो मेन चीज है कि आपने दूसरे बंदे के जिसे कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, क्योंकि समझें उसकी पेन को समझें। जैसे मेरे पास एक औरत आई कि जी मेरी मुझे कोई नहीं समझ सक रहा कि मुझे मेरा कोई दुख दर्द कोई समझ नहीं रहा, पेरेंट्स नहीं समझ रहे, मेरा हस्बैंड नहीं समझता, और वो मुझे कोई मेरे पेन को या मेरे डिप्रेशन को, लेकिन डिप्रेशन या ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, स्पिग्मोमैन, वो एक फीलिंग वाली बात है। लोग कहते हैं अच्छी बुरी तो हो, मैं क्या प्रॉब्लम, उठो उठो, लेकिन ऐसा नहीं, वो बंदा सफ़र कर रहा होता है अंदर से, कभी उसको थाट्स आ रहे हैं या उसके अंदर डाउन फील कर रहे हैं, तो उस लिहाज से वो फिर आप उसकी समझें कि उसकी पेन को एक्नॉलेज करना कि हाँ वाकई आई कैन मैं आपकी जो पेन या आपका दुख है उसको मैं समझ सकता हूँ और मैं एग्जिस्ट करता है, वो वाकई ही आप में इतना है, तो वो काफ़ी होता है उसके लिए। तो वो जो रोने का एक फैक्टर आ जाता है वो एम्पथी में कंसिडर होता है कि नहीं? नहीं, रोना तो नहीं, आप थोड़ा बहुत आप हो सकते हैं आपके भी एक आधा आपके निकल आते हैं कभी कभार आपको सुनते सुनते, अगले बंदे को ये तो नहीं लगेगा कि ये अभी खुद ही नहीं इतना स्ट्रांग कि मैं इसे बता सकूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमें भी रोना आ जाता है, मुझे भी दफा आया कि आदमी को आ जाता है दूसरों की बातें सुन के, आदमी को बिल्कुल आता है, कोई ऐसी बात नहीं, हम मतलब इतना भी अपने आप को नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास दो और सवाल आ गए हैं कि हाउ डू विविड ड्रीम्स अफेक्ट स्लीप क्वालिटी एंड रिलेट टू डिप्रेशन, अनक्लियर ड्रीम्स, विविड? हाँ, ड्रीम्स कभी कभी होता है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं अगर वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो, बड़ी, कुछ लोगों को जैसे मुझे याद है फीमेल थी को एक बहुत बड़ा अजदहा नजर आता था येलो कलर का कि वो आग रहा है और पीछे भाग रहा है, ये मॉन्स्टर उनके पीछे भाग रहा है, नाइटमेयर सी आ रही, जिससे फिर ये होता है कि वो सो नहीं सकती थी और बड़ी आप बल्कि सोने आप सोना नहीं चाहते कि मैं सोऊंगा तो मुझे फिर वही अजदहा आएगा, मेरे पीछे मॉन्स्टर्स आएंगे तो फिर मैं क्या करूं, तो वो फिर ये कि आप फिर उसमें फिर देखते हैं कि क्यों हो रहा है इस तरह से, उनकी थेरेपी होती है, कुछ मेडिसिन भी होती हैं, कुछ स्टेजेस में स्लीप स्टेज जो होती है, कुछ स्लीप के हिस्से होते हैं जिसमें वो ड्रीम्स आती हैं, नाइटमेयर्स आती हैं, फिर ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे वो नाइटमेयर वो स्लीप हो ही ना, स्टेज हो ही ना, ना वो स्टेज हो ना वो जो है आपके वो एक मॉन्स्टर्स या इस तरह की चीज़ें नजर आएं। ठीक है, अपने सेशन को ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे हैं, इसको वाइंड अप करने लगे हैं, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन व्हाट ही और शी शुड डू? आई थिंक दे शुड कंसल्ट देयर लोकल डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट, उनसे बात करें और देखें कि जी हमें ये प्रॉब्लम है तो आप हमें हेल्प करें। सही हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, आई होप जिन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं उनकी ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट चाहिए तो मरहम के पेज पर जाके उनके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं,
और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब अपना प्रैक्टिसिंग प्लेस थोड़ा सा बता दें किधर हाँ, ये प्रैक्टिस कर ऑफ रहे एम हैं। एम आलम रोड, बिल्कुल ये जो बिहाइंड ये जो क्या है टस्किनी रेस्टोरेंट के क्या होता है ना पीछे, एम एम आलम में बेसिकली एम एम उनका आलम है रोड पे, क्लिनिक, बिल्कुल हाँ। तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका कि आप आए और इतना कॉपरेट किया, लोगों को आंसर किया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा अपने शर्माएं ना, घबराएं ना, और लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए शक बिल्कुल नहीं घबराएं, और आके आप अगर आपको नहीं कोई लगता है तो आप जिस तरह से कोई ऑनलाइन या कोई जो भी थेरेपिस्ट डॉक्टर जो भी मिलता है आप कांटेक्ट करें लोगों को, अपनी पेन को सफरिंग को, जो अगर कोई नहीं सुनता तो हम बैठे हैं आपकी पेन और सफरिंग को समझने के लिए, सुनने के लिए और उसको हेल्प करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले हफ्ते हम फिर एक न्यू लाइव सेशन और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।